हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शन ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग, ये दो कॉन्सेप्ट हैं। तो पहले हम फंक्शन ओवरराइडिंग को डिस्कस करेंगे इसमें, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फंक्शन ओवरराइडिंग इज defining function that have similar signature and different parameters, ठीक है। function overriding क्या होता है, ये function overloading है कि function overriding में क्या होता है कि same function को हम same parameter और same name से वापस से define करते हैं। यहाँ पर ध्यान रहे कि function overriding में same signature होता है, same function name होता है और सेम पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, और डिफरेंस भी हो सकते हैं ओवरराइडिंग में। कहने का मतलब है कि उस फंक्शन को सेम एज इट इज नेम से दोबारा हम डिफाइन करते हैं सब क्लास में, ठीक है। जो ओवरराइडिंग है इज ओनली पर्टिनेंट टू ड्राइव क्लासेस, मतलब कि पेरेंट क्लास का कोई फंक्शन है उसको हम सेम नेम से ड्राइव क्लास में या चाइल्ड क्लास में एक्सेस करते हैं, डिफाइन करते हैं सेम नेम से, तो उसको बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग, ठीक है। तो हम इसको अब प्रैक्टिकली करके देखेंगे डायरेक्टली। ये दो कॉन्सेप्ट हैं ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग, ये कंफ्यूजिंग है, इसमें आप क्लियर रखें कि ओवरराइडिंग होता है सेम फंक्शन को दोबारा चाइल्ड क्लास में डिफाइन करते हैं, हम उसको बोलते हैं ओवरराइडिंग, और ओवरलोडिंग को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं PHP का यहाँ पर हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। मैंने टैग डिफाइन करके एक क्लास बना लेता हूँ मैं, बेस क्लास, ठीक है। और बेस क्लास में मैं सिंपल एक फंक्शन बना लेता हूं, प्रिंट लाइन करके, कुछ भी आप फंक्शन बना सकते हैं। मैंने सिंपल प्रिंट लाइन फंक्शन बनाया है एक, और जिसमें मैं इको करवा दूंगा यहां पर सिंपल दिस इज बेस क्लास प्रिंट लाइन फंक्शन। तो यहाँ पर मैंने दिस इज ए बेस क्लास प्रिंट लाइन फंक्शन यहाँ पर मैंने इको करवा दिया है सिंपल, ये क्लियर करने के लिए कि ये फंक्शन है जो बेस क्लास का फंक्शन है, ठीक है। तो ऐसे ही ये बेस क्लास हो गई, ठीक है। अब हम एक चाइल्ड क्लास बनाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, चाइल्ड क्लास बनाने से पहले हम सिंपल इसका बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं बी करके, ठीक है। तो वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं सिंपल में बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इसको अगर कॉल करवाऊंगा तो यहाँ पर ये जो प्रिंट लाइन फंक्शन है जो ड्राइव क्लास का है, सॉरी पेरेंट क्लास का है, वो यहाँ पर सिंपल रन हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये यहाँ पर रन हो जाएगा, दिस इज ए प्रिंट लाइन फंक्शन, बेस क्लास का प्रिंट लाइन फंक्शन है, ठीक है। बट अब हम क्या करते हैं, एक चाइल्ड क्लास बनाएंगे जो ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट समझने के लिए। वो क्या बोलता है कि हम चाइल्ड क्लास में सेम फंक्शन को वापस से डिफाइन करते हैं, तो उसको बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग, ठीक है। तो मैं इसको समझने के लिए एक क्लास बना लेता हूँ, सब क्लास, और मैं क्या करता हूँ, चाइल्ड क्लास है ये, तो इसको एक्सेस करेगी बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को, तो इसको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। हम बेस क्लास को यहाँ पर एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसमें भी हम सिंपल सेम फंक्शन को, ओवरराइडिंग क्या बोलता है, सेम फंक्शन को, पेरेंट क्लास के सेम फंक्शन को हम वापस से डिफाइन करते हैं चाइल्ड क्लास में। अब वापस से हम क्यों डिफाइन करते हैं, क्यों ना हम इसको ही एक्सेस तो कर ही सकता है चाइल्ड क्लास, तो हम वापस से डिफाइन ऐसे क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें हो सकता है कि कुछ अलग फंक्शनैलिटीज हम इसमें लिखना चाहें, जो इसके अंदर का टास्क है वो कुछ डिफरेंट करना चाहें या कुछ एडिशनल टास्क हम करवाना चाहें इससे एडिशनल, तो हम इसको वापस से डिफाइन करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग, ठीक है। हालांकि ये चाइल्ड क्लास है तो इसको ये एक्सेस कर सकता है, बट अगर कुछ अपन इसमें एडिशनल फीचर्स या एडिशनल टास्क करवाना चाहते हैं तो इसको वापस से हम रिडिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं हम फंक्शन ओवरराइडिंग, ठीक है। तो ये हमने वापस से इसमें डिफाइन किया है फंक्शन सेम नाम से, ठीक है।
तो इसमें मैं लिख देता हूँ दिस इज चाइल्ड क्लास प्रिंट लाइन फंक्शन, ठीक है। तो अगर अब मैं वापस से यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, किसका, अब की बार में सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने और मैं वापस से इस फंक्शन को कॉल करवाऊंगा सब क्लास के फंक्शन को, ठीक है, चाइल्ड क्लास के फंक्शन को यहाँ पर मैं प्रिंट करवाऊंगा, तो ये सिंपल यहाँ पर इसको प्रिंट कर देगा चाइल्ड क्लास वाले फंक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पर पहला है जो क्या करता है, बेस क्लास वाले को प्रिंट कर रहा है, सेकंड चाइल्ड क्लास वाले फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये चाइल्ड आएगा, ठीक है, चाइल्ड क्लास वाले फंक्शन को कॉल किया। हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाए दोनों क्लास के, तो इंडिविजुअली वो अपना अपना जो फंक्शन है उसको कॉल कर रहा है, ठीक है। तो जो ये फंक्शन है बेस क्लास का, इसको सब क्लास में या इसकी चाइल्ड क्लास में वापस से सेम नाम से सेम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग, ठीक है। इसमें अंदर का जो अपन यहाँ पर कोड लिखते हैं ये डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, इससे डिफरेंट हो सकता है, बट फंक्शन का नेम सेम होता है, ठीक है। हम अलग से बार बार ना फंक्शन डिफाइन करें, तो हम इसके लिए सेम फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जो सेम टास्क करता है या सिमिलर टास्क परफॉर्म करेगा, तो उसके लिए सेम फंक्शन यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं जिसको बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि ये तो हुआ इसके इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट बना बना करके इनको एक्सेस करना, ठीक है। अगर हम चाहें कि इसको हम यहाँ से रिमूव कर दें और हम चाहें कि जो ये सब क्लास का ऑब्जेक्ट है इसी से हम इस फंक्शन को एक्सेस कर लें डायरेक्ट, तो ये भी आप कर सकते हैं इसको डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर, अब मैं अगर इसको रन करवाऊंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चाइल्ड क्लास का फंक्शन तो रन कर ही रहा है क्योंकि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है हमने, बट हम चाहते हैं कि इससे हम चाहें कि सॉरी हम चाहते हैं कि मैं इसको हटा देता हूँ। अब हम क्या करना चाहते हैं कि हम चाहें कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट से ही हम पेरेंट क्लास के प्रिंट लाइन फंक्शन को एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पर दो फंक्शन हैं, दोनों क्लास में अवेलेबल हैं सेम फंक्शन, तो अगर हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना करके इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये चाइल्ड वाले फंक्शन को रन करेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है तो चाइल्ड वाले प्रिंट लाइन फंक्शन को एक्सेस करेगा ये, ठीक है। बट हम चाहते हैं कि हम चाइल्ड वाले ऑब्जेक्ट से इस फंक्शन को कॉल करवाना चाहें तो ये कैसे कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो एक्सेस कर ही सकता है बट ये दोनों में सेम फंक्शन है तो फिर ये चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से चाइल्ड वाले को ही रन करेगा, बट हम चाहते हैं कि बेस वाले क्लास को कैसे कॉल करवा सकते हैं हम चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से, ठीक है। ये चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है तो इससे अब हम देखेंगे बेस क्लास का जो प्रिंट लाइन फंक्शन है इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे हम चाइल्ड इस के द्वारा आप एक कीवर्ड और है सेल्फ, उसको भी समझ लेंगे, तो इसको मैं करके बता देता हूँ आपको। तो इसको क्या करेंगे, हम एक नया फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, कुछ भी कि एक्सेस पेरेंट फंक्शन, ऐसे कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, मैं देता हूँ एक्सेस एक्सेस पेरेंट, मतलब कि हम पेरेंट का जो फंक्शन है इसको एक्सेस करेंगे चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो ये मैंने फंक्शन बना दिया और इसमें हम क्या करेंगे, पेरेंट, यहाँ पर हम पेरेंट कॉल, हमको पता है कि ये पेरेंट कीवर्ड हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमें पेरेंट का कुछ फंक्शन कॉल करवाना है चाइल्ड क्लास में, तो हम यहाँ पर पेरेंट करके इस प्रिंट लाइन फंक्शन को यहाँ पर कॉल करवा सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है, इससे हम जो एक्सेस फंक्शन है जो एक्सेस पेरेंट फंक्शन है इसको कॉल करवाएंगे, ठीक है। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है, इससे हम एक्सेस पेरेंट को कॉल करवाएंगे तो ये फंक्शन रन होगा, और ये फंक्शन रन होगा तो ये क्या करेगा, पेरेंट के चाइल्ड को, पेरेंट का जो फंक्शन है प्रिंट लाइन इसको रन करेगा। तो इनडायरेक्टली हम ऐसे इसको रन करवा सकते हैं पेरेंट प्रिंट लाइन फंक्शन का यूज करके, ठीक है। तो अगर अब मैं इसको रन करवाऊंगा तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बेस क्लास का प्रिंट लाइन फंक्शन है वो रन हो गया है और चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अब आप इसको जो ये लाइन लिखी है आप इसको यहाँ पर आप डायरेक्टली यहाँ पर भी लिख, यहाँ पर नहीं लिख सकते, तो इसको आप यहाँ पर लिख करके ये कर सकते हैं, ठीक है।
अब इसका एक दूसरा मेथड और मैं बताता हूँ। मेथड तो यही है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, बट मैं आपको क्या एक नया कीवर्ड, सेल्फ कीवर्ड है, उसको बताना चाहता हूँ। तो मैं इसको दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। वो कैसे कि यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, पेरेंट का हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पेरेंट में नया फंक्शन डिफाइन करेंगे पेरेंट क्लास में। यहाँ पर मैं एक नया कीवर्ड बताना चाह रहा हूँ, इसलिए आपको ऐसे दूसरे तरीके से करके बता रहा हूँ, ठीक है? ऐसे तो आप कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं एक नया फंक्शन डिफाइन करता हूँ, फंक्शन अदर, ठीक है? अदर फंक्शन कुछ भी आप बना सकते हैं। तो मैंने एक नया फंक्शन बनाया है। तो अब मैं क्या करूँगा, हमें ये फंक्शन एक्सेस करना है। तो सबसे पहले हम चाइल्ड का एक फंक्शन बनाया है एक्सेस पेरेंट, और इसमें क्या करेंगे, पेरेंट का हम डायरेक्टली प्रिंट लाइन फंक्शन कॉल करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने अभी देखा है। बट एक सेल्फ कीवर्ड को समझने के लिए में हम क्या करेंगे, ये अदर फंक्शन है, इसको कॉल करवाएंगे, ठीक है? पेरेंट का अदर फंक्शन कॉल होगा, ठीक है? और अदर फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पर हमने अदर फंक्शन में जाएगा, और अदर फंक्शन में जाएगा तो यहाँ पर जो ये कीवर्ड है, मैं इसको बताना चाह रहा था, सेल्फ। सेल्फ करके डबल सेमी कॉलोन का यूज करके आप जो प्रिंट लाइन फंक्शन है इसको यहाँ पर कॉल करवा सकते हैं। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड का, इसमें एक्सेस पेरेंट पे जाएगा तो इस फंक्शन में जाएगा, ठीक है? इस फंक्शन में जाएगा तो ये पेरेंट का अदर फंक्शन है, इसको कॉल करेगा। तो पेरेंट का अदर फंक्शन में जाएगा तो यहाँ पर सेल्फ प्रिंट लाइन लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है कि सेल्फ मतलब क्लास को पॉइंट करता है, क्लास को रेफर करता है, मतलब कि सेल्फ मतलब उसी क्लास के प्रिंट लाइन फंक्शन को कॉल करवाता है। सेल्फ मतलब जिस क्लास में ये है उसी क्लास को पॉइंट करता है, मतलब कि बेस क्लास में है तो बेस क्लास मतलब उसी क्लास के प्रिंट लाइन फंक्शन को कॉल करवाएगा। तो ये यहाँ पर इसको कॉल करवाएंगे, यहाँ पर आएगा ये सेल्फ वाला, इस प्रिंट लाइन फंक्शन को कॉल करेगा। तो इस तरीके से अब मैं अगर इसको रन करवाऊंगा तो फंक्शन में कोई, सॉरी, आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये इस प्रिंट लाइन फंक्शन को कॉल कर रहा है। आप डायरेक्टली यहाँ पर पेरेंट से इस फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं आपको सेल्फ कीवर्ड बताने के लिए ऐसा आपको करके बताया दूसरे तरीके से। सेल्फ मैं फिर से बता देता हूँ, सेल्फ क्या करता है, ये सेल्फ कीवर्ड और दो सेमी कॉलन लगा के आप उस फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं। सेल्फ मतलब जिस क्लास में ये है उसी क्लास के फंक्शन को कॉल करवा, मतलब सेल्फ मतलब जैसे नाम से ही पता है, खुद की क्लास के फंक्शन को कॉल करवाता है सेल्फ, ठीक है? तो इस तरीके से हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि ओवरराइडिंग क्या होता है। ओवरराइडिंग क्या होता है कि बेस क्लास के फंक्शन को एज इट इज सब क्लास में बनाना वापस से सेम नेम से, इसको बोलते हैं ओवरराइडिंग, ठीक है? और यहाँ पर सेल्फ कीवर्ड के बारे में भी हमने थोड़ा देखा है। तो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे ओवरलोडिंग के बारे में, ठीक है? ये दो कॉन्सेप्ट हैं PHP में, ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए ओवरराइडिंग को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओवरलोडिंग के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।